Good morning students today we are going to study physical and chemical properties of alkane first is physical property of alkane now we know that the physical property like melting point boiling point density solubility etc they depend upon the intermolecular forces of interaction and in alkane there is carbon carbon single bond are present and carbon form a single bond with hydrogen okay. means in alkane there is only carbon carbon single bond and carbon single bond hydrogen and there is very little difference in electronegativity value between carbon and hydrogen so alkanes are non-polar by nature so we can say that in between different molecules of alkane there is only weak wonderful forces of interaction. And we already studied in our fifth unit that wonderful forces of interactions are depend upon surface area. Larger the surface area, larger is the wonderful forces of interaction. So, on the basis of magnitude of wonderwall forces, let discuss some physical properties of alkane. लाइक बॉइलिंग प्वाइंट मेल्टिंग प्वाइंट सोल्यूबिलिटी डेंसिटी एसेट्रा सो फर्स्ट प्रोपर्टी इज बॉइलिंग प्वाइंट तो अभी हमने किया डोल एल्केन्स केन्सर ज्वाइन टूगेदर बाय वीक वंडरवॉल फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन एंड वंडरवॉल फोर्सेज ऑफ इंट्रेक्शन आर डिपेंड अपॉन सरफेस एरिया मैग्निट्यूड ऑफ फोर्सेस इज डायरेक्टली परपोर्शनल टू सरफेस एरिया सो वी कैन से डेट द एलकेन विच कंटेन लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैव लेस सर एरिया ठीक है उनका सरफेस एरिया कम होगा तो उसकेस में दे हैव लेस फोर्सेस ऑफ इंट्रेक्शन फोर्सेस ऑफ इंट्रेक्शन कम होने की वजह से दे बिहेव लाइक अ गैस सो द एलकेन अप टू फोर कार्बन एटम्स आर टिपिकली गैस इज बाय नेचर एंड द एलकेन फ्रॉम कार्बन फिफ्थ टू कार्बन सेवनटीन आर लिक्विड लिक्विड बिकॉज जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज करेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होने के साथ फर्दर फोर्सिस ऑफ इंट्रेक्शन इंक्रीज होंगी बिकॉज सरफेस एरिया इंक्रीज होगा अब जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम ग्रेटर देन सेवनटीन होंगे सरफेस एरिया और ज्यादा इंक्रीज होगा सरफेस एरिया इंक्रीज होगा सो मैग्निट्यूड ऑफ फोर्सेज ऑफ इंट्रेक्शन आर इंक्रीजेज And hence they be behave like a solid. So we can say that as we increase the number of carbon atom. Boiling point increases. Because surface area increase. And due to increase in surface area. Magnitude of wonderful forces of interaction increases. Or we can also plot a graph. Between boiling point.

Or we can say that boiling point is inversely proportional to branching. Is it clear? The next property is melting point. Now melting point is also increases with the increasing number of carbon atom. Because with the increasing number of carbon atom, wonderful forces of interaction increases. But the trend in case of melting point is not regular. Okay, Because melting point no depend only upon... साइज एंड शेप ऑफ अ मोलिक्यूल बट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन पैकिंग ऑफ कार्बन एटम्स इन अ क्रिस्टल लेटिस, ठीक है वो किस टाइप से पैक्ड हुए हैं उसके ऊपर भी फर्दर डिपेंड करेगा सो इफ वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट एलकेथ टू नंबर ऑफ कार्बन एटम इथे जनरली जब भी हम एनएलकेन को अरेन्ज करते एन एलकेन आर जनरली अरेन्ज इन जिगजग मोशन ठीक है ये ध्यान रखना जो अरेजमेंट है अरेन्जमेंट इनकी हमेशा जिगजेग मोशन में होगी थ्री नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इस टाइप से फोर ब्यूटेन फाइव सिक्स ठीक है अब यहां से देखिए अब जब भी ईवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है टू फोर सिक्स तो जो फर्स्ट और लास्ट कार्बन है दे आर प्रेजेंट इन अपोजिट डायरेक्शन ठीक है इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम में फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन प्रेजेंट इन अपोजिट डायरेक्शन एंड इन केस ऑफ और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन प्रेजेंटिंग सेम डायरेक्शन सो अब इवन नंबर में जो कार्बन एटम्स अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट है सो वी कैन से एलकेन विद इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर मोर सिमिट्रिकल देन द एलकेन विथ ओर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ठीक है ये ज्यादा सिमिट्रिकल है सो दे गिव मोर क्लोज पैकिंग ठीक है इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स दे गिव More packing, जो डिफरेंट आपस में क्लोजली पैक्ड होंगे सो द हैव एटमायर मेल्टिंग एल्केन विद कार्बन एटम ठीक है तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं जो जो इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ऑड नंबर से ज्यादा है सो so अगर हम इसके लिए ग्राफ प्लॉट करें डेट बिटवीन मेल्टिंग पॉइंट एंड द नंबर ऑफ कार्बन एटम सो जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस टाइप से आएगा इवन का हाई ओड का देर लो फिर इवन फिर ओड इवन ओड ठीक है इवन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो अपने कोरस्पोंडिंग ओड नंबर ऑफ कार्बन एटम के कंपेरिजन में हाई होगा इज इट क्लियर नेक्स्ट इज Third is solubility. Solubility. They follow like dissolve like rule. Now we know that alkanes are non-polar by nature. Non-polar and so they are soluble only in non-polar solvents. नॉन पोलर सोलवेंट लाइक पेट्रोलियम इथर बेनजीन एटसेट्रा एंड इन सोल्यूबल इन पोलर सोलवेंट लाइक वाटर एल्कोहल एटसेट्रा नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी इज डेंसिटी नाउ देयर डेंसिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन मोलिकुलर मास डेंसिटी मोलिकुलर मास के डायरेक्टली प्रपोर्शनल होगी बिकॉज डेंसिटी इज मोलिकुलर मास बाय वॉल्यूम तो जैसे जैसे हम नंबर ऑफ कार्बन आइटम इंक्रीज करेंगे मोलिकुलर मास इंक्रीज करेगा डेंसिटी इंक्रीज होगी नंबर ऑफ कार्बन आइटम इंक्रीज करने से वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा बट जो प्रोमिनेंट इफेक्ट है प्रोमिनेंट इफेक्ट मोलिकुलर मास का होगा इज इट क्लियर एंड अगर हम एलकेन और वोटर की डेंसिटी कम्पेयर करते हैं तो एल्केन आर मच लाइटर एज कम्पेरिजन टू वोटर So these are important physical property of alkanes. Next is chemical properties of alkane. Now alkane gives substitution, isomerization, oxidation, pyrolysis, aromatization reactions. And let's discuss all these type of reaction one by one. So first chemical property is substitution reactions. Now substitution as a name indicate in which an atom is replaced by any another atom. तो यहाँ पे अब जो एलकेन एलकेन में generally जो कार्बन आटम्स हैं वो कार्बन के साथ या हाइड्रोजन के साथ बोन बनाएँगे तो सबस्टिट्यूशन में अब जो एल्केन का हाइड्रोजन है वो किसी दूसरे एटम के साथ रिप्लेस होगा सो द रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन एटम ऑफ अ हाइड्रोकार्बन एल्केन इज रिप्लेस्ड बाय एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स डेट इज नेम्ड है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ठीक है तो जो इसकी इंपोर्टेंट सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है डेट इज हेलोजिनेशन हाइड्रोजन हेलोजन के साथ रिप्लेस होगा नाइट्रेशन इन विच हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय नाइट्रो ग्रुप सल्फोनेशन इन विच हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय सल्फोनिक एसिड सो फर्स्ट टाइप इज हेलोजिनेशन हेलोजिनेशन रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाई हेलोजन एटमें अब जो हमारे हेलोजन है हेलोजन में भी फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमीन आयोडीन एंड द रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन टूअर्स एलकेट फ्लोरिन इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडीन

कंडीशन लर्न करना नेसेसरी है ठीक है कंडीशन आपको हर एक रिएक्शन की लर्न होनी चाहिए विदाउट कंडीशन अगर आप रिएक्शन लिखते हो तो वो रिएक्शन आपकी रोंग होगी तो यहाँ पे क्लोरीनेशन में नाउ हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन सो इट इज कन्वर्टेड इनटू मिथाइल क्लोराइड प्लस एच सी एल एंड द क्लोरिनेशन टेक्स प्लेस अंटिल ऑल द हाइड्रोजन एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन ठीक है जब तक सारे के सारे क्लोरीन रिप्लेस ना हो जाए तब तक क्लोरीनेशन प्रोसीड करेगी कन्वर्टेड इनटू डाईक्लोरोमिथेन डाई फर्दर विद क्लोरीन मोलिक्यूल अब यहां से जो हाइड्रोजन है वो थर्ड क्लोरीन के साथ रिप्लेस होके सी एच सी एल थ्री डेट इज क्लोरोफोम और ट्राईक्लोरोमिथेन नव दिस क्लोरोफोम फर्दर रिएक्ट विद अनदर मोलिक्यूल ऑफ क्लोरीन एंड गिव टेट्राक्लोरोन और कार्बन टेट्राक्लोराइड similarly in case of bromination in case of bromination when alkane react with bromine then hydrogen is replaced by bromine like when methane react with bromine in the presence of sunlight or at temperature 520 to 670 kelvin then one hydrogen is replaced by bromine and converted into bromo बट ब्रोमिन सारे हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं कर सकतेन देन इज आयोडिनेशन अब आयोडीन की रिएक्टिविटी सबसे कम होगी सो so, जो आयोडिनेशन होगी दैट इज अवर्सिबल रिएक्शन रिप्लेस बाय हाइड्रोजन इट इज कन्वर्टेड इन टू सी एच थ्री आई plus एच आई एंड अब इसके बैकवर्ड रिए पॉसिबल होगी बिकॉज द एच आई फोर्म इज एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट तो यहां से जो एच आई है फर्दर सी एच थ्री आई के साथ रिएक्ट करके मिथेन और आयोडीन गैस रिप्रेट करेगा सो इसमें बैकवर्ड रिएशन पॉसिबल ना हो सो शन इज ऑलवेज कैरिड आउट इन द प्रेजेंट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक आयोडिक एसिड ठीक है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा ये है फर्दर एच आई को ऑक्सीडाइज करके इट इज कन्वर्टेड इन इंटू आई टू ठीक है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के केस में द रिएक्शन प्रोसीड इन फॉरवर्ड रिएक्शन ये एच हाँ आई को इजली ऑक्सीडाइज करेगा आई टू में सो दैट बैकवर्ड रिएक्शन पॉसिबल ना हो सो इज ऑलवेज अकर इन दाइक एच आई ओ थ्री एच एन ओ थ्री एक्सेट्रा नेक्स्ट इज फ्लोरिनेशन अब जो फ्लोरिनेशन है फ्लोरिन की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा हाई होगी सो so, जो डायरेक्ट फ्लोरिनेशन है डायरेक्ट फ्लोरिनेशन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज द रिएक्शन इज टू मच विग्रेस रिएक्शन बहुत ज्यादा विग्रस्त होगी और उसके इसमें रिएक्शन इतना ज्यादा फास्ट हो जाएगी दैट इट में इवन कैच फायर सो so, हम डायरेक्ट फ्लोरिनेशन करने की बजाय सबसे पहले दूसरे हेलोजन के साथ हम रिएक्ट करके एल्केन को एल्काइल हेलाइड में कन्वर्ट कराएंगे लाइक फर्स्टली वी डू क्लोरिनेशन देन डेट एल्काइल हेलाइड फर्दर रिएक्ट विद मर्क्यूरस फ्लोराइड एंड नाउ दिस क्लोरिन इज रिप्लेस्ड बाई फ्लोरिन ठीक है तो फ्लोरिन एक्शन कभी भी डायरेक्ट नहीं होगी एंडिसन इज नेम्ड ए स्वर्सिएक्शन इज इट क्लियर एंडिस substitution reaction is followed by free radical mechanism so the mechanism of halogenation is followed by free radical mechanism and free radical mechanism is always occurring three steps that is initiation propagation and termination so first is initiation step in initiation step when a halogen molecule is taken place in the presence of sunlight or at high temperature, then it undergo homolytic fission and give a formation of a free radical. Now second propagation. Now when this free radical react with a neutral alkane molecule, then it generate a न्यू एल्काइल फ्री रेडिकल अब ये जो क्लोरीन रेडिकल है ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन वो एल्काइल के साथ शेयर कर रहा था वो खुद शेयर करके एच सी एल बना लेगा और जो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर अब कार्बन के साथ शेयर कर रहा था वो क्लोरीन के साथ चला गया और इस बोन्ड का जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन है इट फर्दर ट्रांसफर टूअर्स कार्बन ऑफ एल्काइल ग्रुप ठीक है सो यहां से जो फॉर्मेशन हुई न्यू रेडिकल की फॉर्मेशन हुई डेट इज मिथाइल रेडिकल थर्ड स्टेप इज टर्मिनेशन स्टेप अब टर्मिनेशन स्टेप से पहले अब यहां रेडिकल यह की फॉर्मेशन हुई है ये फ्री रेडिकल फर्दर और फ्री रेडिकल जनरेट करने की टेंडेंसी रखता है ठीक है यहां से और फ्री रेडिकल जनरेट हो सकते हैं तभी रिएक्शन तब तक प्रोसीड करेगी जब तक सारे के सारे हाइट हाइड्रोजन हेलोजन के साथ रिप्लेस ना हो जाए थर्ड स्टेप से पहले अब नाउ हेयर मिथाइल रेडिकल रिएक्ट विथ अनदर क्लोरीन मोलिक्यूल अभी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्लोरीन मोलिक्यूल से एक क्लोरीन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा एंड कन्वर्टेड इनटू मिथाइल क्लोराइड नाउ दिस मिथाइल क्लोराइड फर्दर रिएक्ट विथ अनदर क्लोरीन फ्री रेडिकल ठीक है अब क्लोरीन का जो रेडिकल है वो एक सिंगल मोलिक्यूल में तो बनेगा नहीं लार्ज नंबर ऑफ मोल्स बनेंगे नाउ द सेकेंड क्लोरीन रेडिकल नाउ रिएक्ट विथ दिस मिथाइल क्लोराइड एंड जनरेट अ न्यू रेडिकल नाउ दिस रेडिकल फर्दर रिएक्ट विथ अनदर क्लोरीन मोलिक्यूल अगेन फॉर्मेशन ऑफ डाइक्लोरो डाईक्लोरोन ठीक है और ये रिएक्शन इसी टाइप से प्रोसीड करेगी अंटिल ऑल द हाइड्रोजन आर रिप्लेस्ड बाई क्लोरिन टर्मिनेशन टू डिफरेंट और सेम रेडिकल रिएक्ट टूगेदर एंड गीव कटेड इन टू अल मॉलिक्यूल ठीक है अब जो रेडिकल है रेडिकल आपस में रिएक्ट करके एक न्यूट्रल मोलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएंगे मतलब रिएक्शन जो है वो हमारी एंड होगी दैट इज नोन एज टर्मिनेशन स्टेप इज इट क्लियर नेक्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन में जो सेकेंड पार्ट है डेट इज नाइट्रेशन नाइट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ इड्रोजन बाई अ प्रेजेंस ऑफ फ्यूमिंग एच एन ओ थ्री फ्यूमिंग एच एन ओ थ्री मीन्स एच एन ओ थ्री को जब आप हाई टेम्परेचर पे रखोगे रखोगेट सिक्स सेवेंटी थ्री कैलवीन टेम्परेचर तो उसके जो वेपर्स बनेंगे सिंपल रूम टेम्परेचर पे

यहां से जो एनोटू ग्रुप है वो हाइड्रोजन के साथ रिप्लेस हो गया रिमेनिंग ओ एच ओ एच एच के साथ रिएक्ट करके वॉटर बना लेगा सो दिस प्रोसेस इज ने एज नाइट्रेशन थर्ड सब्स्टिट्यूशन इज सल्फोनेशन सल्फोनेशन इज रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय उट इन दस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एट टेम्परेचर सिक्स सेवेंटी फाइव कैलवीन वेन इथेन डिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड एट टेम्परेचर सिक्स सेवेंटी फाइव कैलवीन तो सल्फ्यूरिक एसिड को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं एसओ थ्री एच

जेलकेन का कार्बन और हाइड्रोजन है दे बर्न कंप्लीटली इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड प्रोड्यूस्ड कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस लाइक मिथेन बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एयर धन दे प्रोड्यूस CO2 टू प्लस एच टू ओ एलोंग विद लार्ज अमाउंट ऑफ हीट नेक्स्ट इज इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन शन ऑफ एलकेन इज टेकन प्लेस इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर ठीक है अगर लिमिटेड सप्लाई में हम एलकेन को बर्न करते हैं देन दे गिव इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन इन दैट केस कार्बन इनकम्प्लीटली बर्न एंड कन्वर्टेड इन टू कार्बन मोनोक्साइड एलोंग विथ कार्बन ब्लैक अगर हमारे पास एयर की सप्लाई लिमिटेड है देन कार्बन On incomplete combustion is converted into carbon monoxide along with carbon black, and you always have to write its balanced equation. This is carbon black. Is clear? Next is catalytic oxidation. when oxidation of alkane taken place in the presence of catalyst so when mixture of methane and oxygen are placed in a copper tube at 100 atmospheric pressure and 573 kelvin temperature then alkane is converted into alcohol एंड इन द प्रेजेंस ऑफ मोलीबिडनम ऑक्साइड एलके एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर ऑक्साइड एलकेन इज कन्वर्टेड इंटू कार्बोक्सोलिक एसिड ठीक है तो पर्टिकुलर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जो हमारा प्रोडक्ट है वो डिफरेंट होगा कॉपर ट्यूब की प्रेजेंस में एल्कोहल की फॉर्मेशन होगी विथ मोलिबिडनम ऑक्साइड एल्टीहाइड्रीज फॉर्म्ड एंड इन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर ऑक्साइड कार्बोक्सिलिक एसिड इज फॉर्म्ड एंड जनरल जो ऑक्सीडेशन है केमेनोफोर के साथ जनरली ऑक्सीडेशन नहीं देंगे बट टर्चरी एल्केन की रिएक्टिविटी हाई होने की वजह से इट जनरली अंडर गो ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एल्केलाइन के एम एनोफोर एंड प्रोड्यूस्ड एल्कोहल ये सारे प्रोडक्ट आपको लर्न करने पड़ेंगे नेक्स्ट इज थर्ड टाइप की रिएक्शन है डेट इज आइसोमेराइजेशन रिएक्शन आइसोमेराइजेशन रिएक्शन इज दैट कन्वर्जन ऑफ इंटू अनदर आइसोमर इन द प्रेजेंस ऑफ अ पर्टिकुलर कैटलिस्ट सो वेन सो वी नो डेट एलकेन शो ओनली चेन आइसोम सो जब भी हम एलकेन को एल्यूमिनियम क्लोराइड और एचसीएल की प्रेजेंस में रखेंगे एल्यूमिनियम क्लोराइड

एरोमेटाइजेशन रिएक्शन इज कन्वर्जन ऑफ एल्केन इनटू एन सिक्स कार्बन एटम सो जो एल्केन है एल्केन so, जो एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट होंगे और विच की एरोमेटाइजेशन दे कंटेन एटलीस्ट सिक्स कार्बन एटम अगर छह से कम है देन ड नॉट अंडर गो एरोमेटाइजेशन और एरोमेटाइजेशन के लिए हमें इसको साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो वी सिक्स नंबर ऑफ कार्बन आइटम हम इसको इस टाइप से लिख के शो करेंगे जो इनकी ठीक है ताकि आप यहां से इसको साइक्लिक फॉर्म में इजिली कन्वर्ट कर सको So, firstly, when alkane are heated in the presence of oxides of chromium, oxide of vanadium, or molybdenum oxide in the presence of alumina that is Al2O3 at temperature 773 Kelvin and pressure around 10 to 20 atmosphere, then they undergo cyclization and convert it into a cyclo compound. ठीक है साइक्लो एल्केन में कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे सिक्स कार्बन एटम से तो जो साइक्लो एल्केन बना दैट इज साइक्लोहेगजेन अब हमें एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट करना है एरोमेटिक कंपाउंड के लिए अल्टरनेटिव डबल और सिंगल बोंड आना चाहिए एटलीस्ट थ्री डबल बोंड हमें चाहिए डैट मीन देयर इज रिमूवल ऑफ थ्री हाइड्रोजन मोलिक्यूल ठीक है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मोलिक्यूल इज नेम्ड एज डीहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन थ्री हाइड्रोजन मोलिक्यूल का रिमूवल होगा कार्बनटिक कंपाउंड में जनरली जो बेस रिंग होगी या न्यूक्लियस होगा डेट इज बेनजीन तो सेवन को हम थोड़ा इस टाइप से लिखेंगे तो जब भी साइक्लाइजेशन करवाएंगे तो फर्स्ट और सिक्स कार्बन की करवाएंगे तो जो सेवेंथ कार्बन है उसको हम ऊपर की तरफ मेंशन करेंगे ताकि वो एज ए साइड चेन यूज हो जाए सो इन द प्रेन्स ऑफ क्रोमियम ऑक्साइड वेनेडियम ऑक्साइड आइदर मोलीबिडनम ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिना एट टेम्परेचर सेवन सेवेंटी थ्री कैलवीन टेन टू ट्वेंटी एटमोस्फेरिक टेम्परेचर दिस सेवन कार्बन एटम अंडर गो साइक्लो साइक्लाइजेशन एंड गिव a formation of cyclic compound that is methyl cyclohexane and then dehydrogenation takes place and it is converted into toluene toluene that is methyl group with benzene ring is it clear so this reaction is named as aromatization reaction that is conversion of alkane into an aromatic compound and the last reaction is pyrolysis

फोर्टीन को जब आप हिट करोगे देन इट इज कन्वर्टेड इंटू सी सिक्स एच ट्वेल्व प्लस हाइड्रोजन और मे बी इट गिविकोर एच एट एंड सी टू एच सिक्स और इट गिव अचर ऑफ प्रोपीन इथिन एंड इथेन एंड मिथेन ठीक है सो वेन Higher member of alkane is heated. Then, in the presence of heat, it is converted into lower member of alkane or alkene. Then, this reaction is named as pyrolysis. Is it clear? So, these are the important physical and chemical properties of alkane. I hope you understood all these properties. Thank you and have a nice day.